जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो टुडे वी विल ड्रॉ फेस एक्सप्रेशन. ओके, लाइक दिस. यहाँ पर बहुत सारे फेस एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, तो आज हम इसमें से एक एक्सप्रेशन मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ. ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये कई सारे एक्सप्रेशन दिए हुए हैं. सैड, हैप्पी, है ना, फियर, एंगर. तो एक्सप्रेशन आपके फेस से पता चलता है ना कि आपके एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं, तो उसे आज हम ड्रॉ करके दिखाएंगे. ठीक है, तो मैं इसको सबसे पहले एक मार्जिन लाइन ले लेंगे. आपको पता ही है 1 सेंटीमीटर की मार्जिन लाइन लेनी है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. और हैप्पी एक्सप्रेशन में आज बना के दिखा रही हूँ, और आपको आप और भी कोई एक्सप्रेशन बना सकते हैं. ठीक है, जो आपको अच्छे लगते हैं. सबसे पहले स्केल लेके हमें क्या करना है, मेज़रमेंट बनाना है. ठीक है, जब भी हम कोई चीज़ इस तरह की बनाते हैं तो एक मेज़रमेंट से बनाएंगे, तो इजीली आपको क्लियर होगा. तो मैंने इसको ऊपर की साइड बना रही हूँ, जिससे कि आप एक और फेस नीचे बना सकते हैं. ठीक है, यहाँ देखिए मैंने एक लाइन ली है 9 सेंटीमीटर की, और फिर उसके बाद ऊपर से 2 सेंटीमीटर पे एक डॉट लगाया. ठीक है, डॉट लगा दिया. अब बिल्कुल ऊपर से ही हमने एक 4 सेंटीमीटर पे एक डॉट लगाया, फिर 4.5 पर एक डॉट लगाएंगे, फिर 6.5 पर एक डॉट लगाएंगे, जिससे कि हमारा एक फेस बिल्कुल रेडी हो जाएगा. और ये ऊपर वाला हेयर वाला पार्ट आएगा हमारा, ये वाला, इस तरीके से. तो अभी हमें इसमें हमने वर्टिकल लाइंस तो ले ली हैं, डॉट्स लगा दिए हैं, है ना, बट अभी हमें इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस भी लेनी है कि हमें आईज कहाँ शो करनी है, नोज़ कहाँ शो करनी है, लिप्स कहाँ पर आएंगे. अभी तो हम ये हेयर मैं थोड़ा सा आपको दिखा रही हूँ कि ये इस तरीके से हमें शो होगा. ठीक है, ऊपर की साइड मैंने इसलिए लिया है कि नीचे एक और फेस हम बना सकते हैं. तो आपको कोई भी 2 फेसेस बनाने हैं, 2 एक्सप्रेशन शो करने हैं. ठीक है, अब हम इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये हेयर वाला जो आउटर लाइन है ये कहाँ तक आएगी. तो बेटा ये जो हमने 2 सेंटीमीटर पे लाइन ली थी ना, डॉट लगाया था, तो ये वाली हमारी 6 सेंटीमीटर की लाइन ली है हमने हॉरिजॉन्टल. अब ये जो 4 सेंटीमीटर पे डॉट लगाया था, यहाँ पर हमने 6 सेंटीमीटर की ली है ये वाली भी. फिर 4.5 पर एक डॉट लगाया था, वहाँ वो भी हमने 6 सेंटीमीटर की ली है. ओके, फिर हमने ऊपर से 6.5 पर एक डॉट लिया था, उसकी लाइन हमने 5 सेंटीमीटर ली. नेक्स्ट 7 सेंटीमीटर पे एक डॉट लिया था, वो भी हमने 5 सेंटीमीटर. ठीक है, अब इस तरीके से हम फेस ड्रॉ करना सीखते हैं. कोई भी छोटा छोटा फेस बनाते हैं वो यही पैटर्न है. जब आपका फेस आप बड़ा फेस बनाएंगे, पूरे पेज पर बना रहे हैं, तो उसका मेथड अलग है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी. अभी हम इसको ये देखिए साइड से किस तरीके से लेते हैं. बेटा देखिए, जब हमारी जहाँ पर आईज हमारी स्टार्ट होती है, वहीं पर हमारे ईयर स्टार्ट होते हैं. हमारी नोज़ फिनिश होती है तो हमारे ईयर भी फिनिश हो जाते हैं. तो आप देखिए, इससे आइडिया आपको लग जाएगा. अब इन लाइन को मैच करते हुए अब हम एक मेल का फेस बना रहे हैं, तो वैसा ही इसका लुक आएगा. ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से हेयर स्टार्ट हो जाएंगे इस तरीके से. इसमें शेडिंग भी करेंगे हम बाद में. बेटा ये सारी लाइंस इरेज कर देंगे आप. ठीक है, ये आईब्रो के बीच में थोड़ा गैप रखना है हमें. यहाँ पर आईज ड्रॉ करनी है.
कोशिश करेंगे बिल्कुल सेम आएगी आईज, आई बॉल नीचे वाली लाइन सेम ही हेयर, दोनों साइड सेम आएगा और ध्यान से ड्रॉ करेंगे। पोर्ट्रेट जब बनाते हैं तभी हम वो मेज़रमेंट भी मैं आपको बताऊंगी कि आप इजीली पोर्ट्रेट को कैसे बना सकते हैं। ओके, अभी ये जो हमने ईयर के ये 5 सेंटीमीटर की जो लाइन ली थी यहाँ पे नोज़ हम स्टार्ट कर देंगे नीचे, ये देखिए यहाँ से, तो जहाँ पर हमारा ईयर फिनिश हो रहे हैं वहीं से हमारी नोज़ स्टार्ट है नीचे से। और इसमें जो नीचे वाली 7 सेंटीमीटर पे हमने जो डॉट लिया था वहाँ पर हम लिप्स देंगे इनके। स्माइलिंग वाला फेस है, हैप्पी वाला फेस है, स्माइलिंग के लिए हम लिप्स को थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं। एक्सप्रेशन से ही सारी चीज़ें फेस पे क्लियर हो जाती हैं कि है ना किस तरह का इंसान का जो मूड है वो किस तरह का है, हैप्पी है या वो गुस्सा आ रहा है, उसको एंगर है ना या सैड है, तो ये उससे ही एक्सप्रेशन से ही पता चलता है। ठीक है, तो एक आर्टिस्ट एक्सप्रेशंस के थ्रू काफ़ी कुछ शो कर सकता है। अब ये देखिए यहाँ पर हमने ये लाइन्स इरेज कर दी। ठीक है, ये लाइन्स इरेज करने के बाद हम ये शेडिंग वाली पेंसिल के थ्रू शेडिंग करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं शेडिंग। तो सबसे पहले हेयर्स, थोड़ी सी डार्क है पेंसिल बेटा, शेडिंग वाली पेंसिल 6B 8B 10B आप ले सकते हैं, कोई भी एक सिंगल पेंसिल भी ले लीजिए वो भी आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, मर्जिंग के लिए मैंने पहले भी बताया था कि आप ब्रश से भी मर्ज कर सकते हो शेडिंग को, ईयरबड से भी कर सकते हैं, है ना, कहीं कहीं हम फिंगर से भी कर देते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए हेयर रेडी है हमारे, क्योंकि एक्सप्रेशन है तो ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं दे रही हूँ मैं, क्योंकि सिर्फ हमें एक्सप्रेशन दिखाने हैं तो ज़्यादा डिटेल नहीं देंगे। हाँ, अगर हम पोर्ट्रेट बनाते हैं बेटा तो पोर्ट्रेट का तो मीनिंग ही है, उसमें हर चीज़ में हम डिटेल्स डालेंगे, तो इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं डालेंगे, डिटेल डालने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, तो ये हमारा हेयर कंप्लीट हो गए और ईयर को भी थोड़ा थोड़ा सा जहाँ जहाँ से हमें लगता है कि डार्क करना है, जो डार्क पार्ट है वो डार्क कर देंगे, डेप्थ वाला पार्ट अदरवाइज लाइट छोड़ेंगे उसको। शेडिंग करने के लिए काफ़ी पेशेंस की ज़रूरत है। दोनों सेम हो गए हमारे, अभी फोरहेड पे बहुत लाइट देंगे यहाँ पर शेडिंग फोरहेड पर। जब हम हंसते हैं है ना या चिल्लाते हैं या कुछ तो हमारे एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, तो उससे हमारी स्किन पे भी फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे ये अगर स्माइल कर रहे हैं तो इनका फेस देखिए किस तरह की हमें रिंकल्स डालनी है, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो शेडिंग के थ्रू ये सारी चीज़ें हम दिखा पाएंगे। यहाँ पर थोड़ा लाइट शेडिंग कर रहे हैं, इसको आप ब्लेंड कर सकते हैं ब्लेंडर से, ईयरबड हो आपके पास फिंगर से कर दीजिए। ओके, ईयरबड से भी कर सकते हैं हल्का हल्का सा ब्लेंड उसको, इससे बहुत अच्छी मिक्सिंग होती है। ये देखिए हमें ज़्यादा डार्क नहीं करनी है, अगर हम ये पोर्ट्रेट बनाते हैं उसमें डिटेल ज़्यादा देनी होती है ना, तो यहाँ पर सिर्फ हम एक्सप्रेशन शो करना है हमें, तो ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। और एक पेज पर आप दो एक्सप्रेशन बनाएंगे जो भी आपको अच्छा लगता है, मैंने आपको शो किया है, आप और भी इनसे भी अलग एक्सप्रेशन दिखा सकते हैं, कोई ये कंपलसरी नहीं है कि आप यही वाले एक्सप्रेशन बनाइए जो मैंने बनाए, बट मेज़रमेंट वगैरह प्रॉपर होना चाहिए। ओके,
ये आईब्रो दोनों साइड से डार्क कर देंगे। अब आईज के ऊपर शेडिंग देंगे। आईबॉल में और सेम ही हम ऐसे दोनों आईज करेंगे। इस तरीके से तो ये इस तरीके से हमारी दोनों आईज कंप्लीट हो गई। अभी हम थोड़ा सा ऊपर भी शेडिंग देंगे बेटा। इसको ईयरबड से मर्ज कर दीजिए। नोज को डार्क कर रहे हैं। यहाँ बट थोड़े से रिंकल्स दिखाएंगे। स्माइल कर रहे हैं तो वैसे भी थोड़ा सा एज वाला इफेक्ट भी हमें देना होता है, ठीक है ना। चाइल्ड है तो उस हिसाब से उसका फेस आएगा, और मेल है, एडल्ट है, सब अपना ओल्ड है, उनकी सबके अलग अलग जो फेस रिंकल्स होते हैं वो सब अलग अलग आते हैं, ठीक है। साइड में शेडिंग दे देंगे या इसके यहाँ पर थोड़े से रिंकल्स दिखा देंगे कि जब हम स्माइल करते हैं या हैप्पी होते हैं ना तो थोड़े से रिंकल्स शो हो जाते हैं। आप लोगों को कोई भी डाउट है आप कभी भी पूछ सकते हैं बेटा, क्लास में पूछ लीजिए कोई भी डाउट है। वैसे तो बच्चे कॉल करके पूछ ही लेते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कभी भी पूछ सकते हो किसी भी चीज़ में। इंटरेस्ट दिखाइए अपना, मेन चीज़ है बेटा प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करते रहिए। ये अब हम लिप्स पे थोड़ा सा शेडिंग करेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। चिन पर ये साइड में हल्की हल्की सी शेडिंग दे देंगे। तो ये लग रहा है देखकर कि ये बंदा हैप्पी है ना। थोड़ा सा इसका नेक वाला पार्ट दिखा देंगे, ज़्यादा नहीं दिखाना हमें। ये आपकी बुक में बने हुए हैं, आप ये इनमें से भी बना सकते हैं और अलग से भी ले सकते हैं, ओके। कोई भी आप बना लीजिए, कोई भी दो एक्सप्रेशन आप बनाएंगे और एक ही पेज पर आ जाएंगे। वो सेंटर वाली लाइन को थोड़ा सा डार्क करेंगे, ये नीचे वाला लिप्स, आईज के यहाँ पे थोड़ा सा रिंकल दिखाएंगे। ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप कंप्लीट करेंगे और एक और फेस नीचे बना लेंगे, ठीक है। तो आपको टू फेस बनाने हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, दोनों में से आप और भी हैं उनमें से भी बना सकते हो, ठीक है। अपनी